जय हिंद तो चलिए आज का जो तो सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें पॉलिटी के एग्जाम से रिलेटेड है यहाँ पे 16 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और 16 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है और जैसे मैंने अपने बताया है पहले के भी वीडियोस में कि आप क्वेश्चंस का आंसर इसमें जरूर दोगे लेकिन इसका जो आंसर है आपको टेलीग्राम सिंपल पेपर के टेलीग्राम पे मिलेगा तो अगर आपने सिंपल पेपर का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके ज्वाइन कीजिए उसको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे उसका लिंक दिया हुआ है क्योंकि आंसर आप वही मैच कर पाओगे तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर विच आर्टिकल इज द मोस्ट इम्पोर्टें आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब के द्वारा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे भारत के संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज किसका है एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितना सीरीज आपका चल रहा है जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता है

प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो डी फैक्टो है? है कि डी फैक्टो का मतलब क्या होता है ठीक है इंडियन ट्वेंटी जो है भारत का संविधान में बोला गया कि प्रोटेक्शन अगर आपने गलती किया तो वहां भी कुछ ना कुछ आपको एक सुविधा है जो दिया जाता है तो वो किस के अंदर डील करता है क्या है उसके अंदर वो आपको बताना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो क्वेश्चन नाइन है ट इच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर कौन सा ऐसा आर्टिकल है का भारत का जो ये बताता है कि हर एक इंडिया का राज्य के पास गवर्नर होना चाहिए इंडियन स्टेट के पास नेक्स्ट क्वेश्चन टेन सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफिसेंट एंड ऑफ द स्टेट सैलरी अलाउंस एंड पेंशन जो प्रेसिडेंट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन का वो बेटे क्या कौन है कौन सा फंड है? किस फंड से दिया जाता जा है आपको ये बताना है साथ साथ आपको ये भी बताना है कितने टाइप्स के फंड होते हैं और फंड को कब कब यूज किया जाता जा है और किस किस लिए यूज किया जाता जा है जा?

किया जाता लोकसभा in of of क्या है वो आपसे पूछा जाता तो है चारों में देखिएगा जो करेक्ट है वो आपको बताना है nice 16, With to the the को जाके उसके बाद आप इसका आंसर दे पाओगे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है जो आपने बताया कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंस है तो यहाँ पे मैं देखती हूँ पहले आपको बताती हूँ कि कितने बच्चों ने यहाँ पे पिछले वीडियो में आंसर दिया है सईिता यादव ने दिया था स्वर्ण सिंह कमेटी बिल्कुल सही था उसके बाद चीनू शर्मा ने दिया था लोकसभा का पावर क्या होता है मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा बिल्कुल सही है निकिता झा ने भी दिया आंसर नो कॉन्फिड मोशन मतलब सिंपल मेजोरिटी बिल कब यूज ये होता है लोकसभा के पास पावर क्या होता है चीनू शर्मा ने फिर से दिया संगीता यादव ने दिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में और डीपीएसपी का जो डिफरेंस मैंने पूछा था चीनू शर्मा ने दिया ओके नेक्स्ट यहाँ पे निकिता झा ने भी आंसर दिया है फिफ्टी परसेंट वो स्पेशल मेजोरिटी पे ठीक है उसके बाद बच्चे ने जो एक जिन्हें सुभावना झा ने दिया है सुभावना ने कहा है टेन फंडामेंटल ड्यूटीज जो मैंने बोला था लिखने के लिए आप लोग जरूर बताइएगा अमित सौ ने दिया है लोकसभा के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ अजय प्रशांत ने दिया है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस ओके okay. तो बहुत सारे बच्चों ने दिया है अभिषेक ने कहा है थैंक्स अभिषेक अच्छा शेयर सम टॉपिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बिल्कुल अभिषेक हम मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी टॉपिक शेयर करेंगे जल्दी ही चीनू शर्मा का डिफरेंस फंडामेंटल राइट का सुभावना जहाँ पावर बताया लोकसभा का टाइप्स ऑफ पॉलिसी बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो मैंने पूछा था कि इतनी पॉलिसी तो गांधी सोशलिस्ट लिब्रेट बिल्कुल सही है सुभावना ओके okay. पंडित हेमंत गौड़ ने कहा थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सो वेल थैंक्स पंडित रितिका ने कहा so अच्छा। है सो गुड मैम प्रॉपर्टी तो संगीता यादव ने इसका दिया है। बहुत अच्छा अंजलि शर्मा ने कहा बाकी लोग ने नाइस थैंक यू मैम बोला है चलिए तो ये सब देख लिए पिछले वीडियो में बहुत बच्चे आंसर दिए है बाकी बहुत ही अच्छा है चलिए तो आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी आंसर दो और ये पार्ट वन है इस तरह पार्ट टू भी पॉलिटी का आपका आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन दे रहे होंगे तो इस तरह आप देखोगे काफी सारे सब्जेक्ट हम आप सिंपल पेपर आपका, आपका लेके चल रहा है ताकि आपका एक भी सब्जेक्ट ना छूटे तो चलिए इस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं जय हिंद